एक तारा प्रकाशन से दो पत्रिकाएं निकलती है, छोटे बच्चों के लिए प्लूटो और बड़े बच्चों के लिए साइकिल। इन पत्रिकाओं के संपादक सुशील शुक्ल जी ने हर महीने पर बहुत सुंदर रचनाएं तैयार की है। आज हम अगस्त माह की रचना सुनेंगे। अगस्त, जैसे मौसमी पौधे होते हैं, एक मौसम में आते हैं और सूख जाते हैं, उनके बीज बाकी महीने जमीन में सोए पड़े रहते हैं। बारिश के मौसमी पौधे बारिश में आते हैं, जैसे ही बारिश आती वे झट से जमीन से झांक उठते हैं। बारिश में जगह जगह पानी भर जाता, जगह जगह छोटे छोटे ताल उभर आते, वे बारिश के मौसमी पौधे लगते। बारिश के जाते ही वे सूख जाते, पानी की सूखी बूंदे जमीन में दबी पड़ी रहती। जैसे ही बारिश आती वे ताल बनकर जमीन से झांकने लगते। अगस्त में झीलें भर जाती, तालाब भर जाते और नदियां उफनने लगती। देखने जाते नदी, देखने जाते तालाब, या झील पर सिर्फ तालाब, या झील या नदी न दिखती, उसके ऊपर तैरता आसमान दिखता। जगह जगह पनप आए छोटे छोटे तालों पर छोटे छोटे आसमान तैरते मिलते। हम हथेलियों की कटोरी बनाकर नदी से पानी भर लेते, मेरा दोस्त उसमें तैर रहे छोटे से आसमान को उठाकर मेरी जेब में रख देता। फिर वह हथेलियों की कटोरी बनाता और मैं उसके लिए एक छोटा सा आसमान निकालता। हथेलियों से आसमान को निकालते ही उसमें एक और आसमान तैरने लगता। हम बार बार उसे पकड़कर जेब में रखते जाते और वह फिर हथेली में चला जाता। जेब आसमानों से भर जाती पर हथेली आसमानों से खाली न होती। थक कर हम अपनी हथेली के आसमान को नदी के बड़े आसमान में मिला देते और नदी को निहारते निहारते सपने देखने लगते कि नया नया आसमान धीरे धीरे बड़ा होता। फिर उसमें तारे आते, उसमें बादल छाते, मन करता तो नदी में चले जाते और बच्चे आसमान को पास से देखते, छूकर नदी में उतर जाते और तारे के बच्चे को ढूंढने लग जाते। तारे मछली की आंख बराबर छोटे होते, दूर नजर आ रही रोशनी की बूंद तारा है या मछली की आंख पता नहीं चलता। कभी कोई तारा हाथ आ जाता तो उसे एक दो दिन के लिए घर ले आते, रात में उसका छोटा सा उजाला होता। अपने साथी को ढूंढ रहा कोई जुगनू तारे के पास चला आता। तारे को लगता कि जुगनू उड़ना सीख चुके बच्चे तारे हैं और जुगनू को लगता कि तारे उड़ना नहीं सीख पाए जुगनू के बच्चे हैं। अगस्त में बारिश की झड़ी लगी रहती, बारिश के होते चले जाने से खींच पैदा होती, बारिश हवाओं के साथ घर में घुस आती और हवा पूरे घर को सीलन से भर देती। हमारा कच्चा गांव बारिश में जगह जगह से झरने टूटने लगता, गलियां कीचड़ से भर जाती। हर साल गांव में एक ना एक घर गिर ही जाता। किसानों के लिए दिन कुछ आराम के होते पर मजदूरों के लिए दिन बेकारी के होते। वे हाथ पर हाथ धरे पानी को देखते रहते,
हम बारिश का खेल देखते रहते। वह कुछ लोगों को भिगोती और कुछ को सुखा डालती। शुक्रिया।